स्वागत है दोस्तों आपके अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म BHU पाठशाला पर। मैं हूं मोहम्मद कमरान। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने देखा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में, और इस वीडियो में हम देखेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे जा चुके हैं। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ पहले उसे वॉच करें। अब चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। हमारा पहला सवाल है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि हिंदुस्तान में एक राष्ट्रपति होगा? तो हमारे ऑप्शंस हैं आर्टिकल 61, बी आर्टिकल 62, सी आर्टिकल 52, डी आर्टिकल 74। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? हमारा ऑप्शन हो जाएगा आर्टिकल 52 यानी ऑप्शन सी, क्योंकि आर्टिकल 61 क्या कहता है कि देर आर प्रोविजन फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इफ ही वायलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 62 क्या कहता है? प्रोसीजर फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। और आर्टिकल 74 क्या कहता है कि इट प्रोवाइड्स फॉर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू एडवाइस द प्रेसिडेंट। तो इन तरीके से हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो गया? आर्टिकल 52 यानी ऑप्शन सी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 2 है, हु पार्टिसिपेट्स इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में कौन पार्टिसिपेट करता है? हमारे ऑप्शन हैं इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, सी मेंबर्स ऑफ ऑल यूनियन टेरिटरीज, या डी ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबलीज ही पार्टिसिपेट करते हैं इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, लेकिन वो प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में पार्टिसिपेट जरूर करते हैं। चलते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट क्वालिफिकेशंस शुड बी टू बिकम अ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या आपको क्वालिफिकेशंस होनी ज़रूरी हैं? तो हमारे ऑप्शंस हैं 35 ईयर्स ऑफ एज, बी ही शुड बी एलिजिबल टू बी इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ राज्यसभा, सी मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, या डी ओनली ए एंड सी। तो दोस्तों 35 ईयर्स ऑफ एज तो मस्ट है, उसकी कम से कम आयु 35 साल होनी चाहिए। ऑप्शन बी कह रहा है कि ही शुड बी एलिजिबल टू बी इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ राज्यसभा, तो नहीं, ही शुड बी एलिजिबल फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ लोकसभा। अगर ये मेंबर ऑफ लोकसभा के लिए एलिजिबल होता तब वो राष्ट्रपति के इलेक्शन में खड़े होने के लिए भी एलिजिबल होता, लेकिन यहाँ पर राज्यसभा लिखा हुआ है तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन जो होगा वो गलत हो जाएगा। तो एंड ही मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर बीइंग अ प्रेसिडेंट, ये भी एक क्वालिटी है। तो हमारा ऑप्शन डी जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि ही मस्ट बी ऑफ 35 ईयर्स ऑफ एज एंड ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है? हमारी पहली स्टेटमेंट है इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पार्टिसिपेट इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो दोस्तों देखिए, पहले ही स्टेटमेंट हमारी गलत है, क्योंकि हम जानते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। आगे की स्टेटमेंट्स देख लेते हैं अपनी। हमारी सेकंड स्टेटमेंट है कि द यूनियन एग्जीक्यूटिव इंक्लूड्स द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। जी, ये बिल्कुल सही बात है कि जो यूनियन एग्जीक्यूटिव होते हैं ये इन चारों को मिलाकर बनते हैं। हमारी थर्ड स्टेटमेंट है कि इम्पीचमेंट में बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये भी बिल्कुल सही बात है कि राष्ट्रपति अगर संविधान की अवहेलना करता है, इफ़ ही वायलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन, देन उसके ऊपर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। और वो कहाँ पर शुरू की जा सकती है? इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो लोअर हाउस हो चाहे वो अपर हाउस हो। हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि आर्टिकल 56 इन्विसाजेस द टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट, भी ये बिल्कुल सही बात है। और हम चलते हैं अपने पाँचवें क्वेश्चन की तरफ। हमारा पाँचवा क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट मैच्ड, इनमें से कौन सा आर्टिकल और उसके जो प्रोविजंस हैं मैच नहीं कर रहे हैं? तो हमको देखना है ऑप्शन ए आर्टिकल 54 मीन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो बिल्कुल ये मैच करता है कि आर्टिकल 54 जो है वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से डील करता है, सही बात है। आर्टिकल 55 देखना है हमें, आर्टिकल 55 कह रहा है कि मैनर ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ये भी बिल्कुल सही बात है कि जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा जो इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का उसको डील करता है आर्टिकल 55। हमारा थर्ड पॉइंट है आर्टिकल 60 प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, तो ये जो है गलत है, क्योंकि हमने देखा कि इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट को कौन डील कर रहा है? आर्टिकल 61 डील कर रहा है। तो ये जो है हमारा गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। और डी हमारा ऑप्शन है कि आर्टिकल 123 विच डील्स विद द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू प्रमल्गेट ऑर्डिनेंस, बिल्कुल सही है। तो हमारा इसमें सही क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अपने छठवें क्वेश्चन की तरफ, जो कि है विच फॉर्मर प्रेसिडेंट बर्थडे इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज टीचर्स डे, यानी हमारे किस पूर्व राष्ट्रपति का बर्थडे जो है वो टीचर्स डे के तौर पर मनाया जाता है। तो हमारे ऑप्शन हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, श्री वी वी गिरी, सी डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद,
या डी नन ऑफ द अबव। तो इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन BHU के चौथे VC भी थे और हमारे पहले वाइस प्रेसिडेंट और दूसरे प्रेसिडेंट भी थे। ये इन्फॉर्मेशन आपको मालूम होनी चाहिए। और जो इसमें श्री आर कृष्णन लिखा, ये श्री VV गिरी जी हैं, ये हमारे चौथे प्रेसिडेंट थे और फखरुद्दीन अली अहमद साहब जो हैं वो हमारे पांचवे प्रेसिडेंट थे। तो ये बात तुम लोग याद रखिएगा। हमारा 7th क्वेश्चन है कि हु इज़ द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि भारत की सबसे पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। बिल्कुल आसान सवाल है कि श्रीमती प्रतिभा पाटिल वॉज अवर फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमारे अलग ऑप्शन हैं जयललिता, सुषमा स्वराज या नन ऑफ द अबव। जयललिता हमारी तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर थी और सुषमा स्वराज को हम सब जानते हैं कि वो यूनियन मिनिस्टर थी फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स इन द नरेंद्र मोदी कैबिनेट। चलते हैं अपने 8वें सवाल की तरफ। हमारा 8वां सवाल ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, यानी इन स्टेटमेंट्स में से कौन से स्टेटमेंट गलत है। हमारी पहली स्टेटमेंट है कि प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द मिलिट्री फोर्सेज ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही। बी, प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट अ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट इनटू द कंडीशन ऑफ एससीज एंड ST, ये भी बिल्कुल सही बात है कि प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट कमीशन जो इन्वेस्टिगेट करता है कंडीशंस के किसकी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हमारी थर्ड स्टेटमेंट है पार्लियामेंट कैन डिक्लेयर एनी एरिया एज शेड्यूल एरिया, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी क्योंकि ये पावर जो होती है प्रेसिडेंट के पास होती है कि वो किसी भी एरिया को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर कर सकता है। तो इसमें से पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है, तो जो स्टेटमेंट गलत है वो है स्टेटमेंट नंबर C। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, C। चलते हैं अपने 9th क्वेश्चन की तरफ। हमारा 9th क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल प्रोविजन फॉर नेशनल इमरजेंसी इज मेंशन्ड, कह रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में नेशनल इमरजेंसी का प्रोविजन मेंशन्ड है। हमारे ऑप्शंस हैं ए 356, बी 352, सी 360 या डी 365। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा दोस्तों, ऑप्शन बी यानी 352। और बचे कौन से ऑप्शन, ए सी और डी। तो आर्टिकल 356 क्या कहता है, आर्टिकल 356 डील करता है प्रेसिडेंट रोल से और आर्टिकल 360 डील करता है फाइनेंशियल इमरजेंसी से। लकली हिंदुस्तान में अभी तक फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी नहीं लगाई गई है और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेसिडेंट प्रोक्लेम्स नेशनल इमरजेंसी। तो ये भी साफ साफ मालूम चल रहा है कि राष्ट्रपति ही हमारी इमरजेंसी की घोषणा करता है आफ्टर कंसल्टेशन विद द मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कैन बी इनिशिएटेड इन, यानी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग कहाँ पर शुरू किया जा सकता है। तो हमारे ऑप्शंस हैं ओनली इन लोकसभा, बी ओनली इन राज्यसभा, सी इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट या डी सुप्रीम कोर्ट। तो हमने पढ़ा कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में शुरू की जा सकती है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन उस इम्पीचमेंट को कंप्लीट करने के लिए दोनों हाउस की सहमति चाहिए होती है 2/3 मेजोरिटी के साथ। लेकिन इनिशिएट कहाँ कर सकते हैं, किसी भी हाउस में कर सकते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं अपने 11th क्वेश्चन की तरफ। हमारा 11वां क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बी अ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। बहुत सिंपल सवाल है कि सबसे कम आयु क्या होनी चाहिए किसी को राष्ट्रपति के इलेक्शन में कंटेस्ट करने के लिए। तुम्हारा सही ऑप्शन हो जाएगा 35 ईयर्स ऑफ एज और अबव। अपने 12th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कहता है कि द प्रेसिडेंट सर्व्स अ टर्म फॉर हाउ मेनी ईयर्स, राष्ट्रपति का शासनकाल कितने साल का होता है। तो इसका जवाब हो जाएगा 5 ईयर्स, यानी ऑप्शन नंबर बी। अपना 13th क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये कहता है कि बाय व्हाट नेम इज़ द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द प्रेसिडेंट नोन एज, यानी राष्ट्रपति का जो ऑफिशियल होम होता है, ऑफिशियल रेजिडेंस होता है, वो किस नाम से जाना जाता है। हमारे ऑप्शन हैं राजभवन, बी राष्ट्रपति भवन, सी राष्ट्रपति निलायम एंड डी नन ऑफ द अबव। तो राजभवन दोस्तों UP के गवर्नर का ऑफिशियल रेजिडेंस का नाम है और राष्ट्रपति निलायम जो है वो हमारे राष्ट्रपति का ही रिट्रीट होम होता है जो कि हैदराबाद में है और इसको बनवाया किसने था, नज़ीरुद्दौला ने बनवाया था जो कि निज़ाम थे हैदराबाद के। और चौथा ऑप्शन हमारा है नन ऑफ द अबव एंड थर्ड ऑप्शन इज़ राष्ट्रपति भवन। तो सबको मालूम है राष्ट्रपति भवन इज़ द ऑफिशियल नेम ऑफ रेजिडेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो हमारा सही ऑप्शन C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि विच फॉर्मर प्रेसिडेंट इज़ ऑल्सो नोन वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट ऑफ इंडिया, की कौन से हमारे पूर्व राष्ट्रपति भारत के एक बहुत ही विख्यात साइंटिस्ट भी थे। हमारे ऑप्शंस हैं ए डॉक्टर जाकिर हुसैन, श्री बी श्री आर वेंकट रमन, सी श्री नीलम संजीव रेड्डी या डी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो दोस्तों सबको पता है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वॉज अवर प्रेसिडेंट एज वेल एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तुम्हारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी का हम देख लेते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे सेकेंड प्रेसिडेंट थे एंड ही वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ जामिया मिल्ला इस्लामिया।
एंड ही इज़ बरीड इन द प्रेमाइसेस ऑफ जामिया मिल्लिया इस्लामिया। सेकेंड हमारा ऑप्शन है श्री आर वेंकट रमन। तो श्री आर वेंकट रमन हमारे 8th प्रेसिडेंट थे और श्री संजीव रेड्डी हमारे 6th प्रेसिडेंट थे। ये बातें आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं अपने 15th क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा है हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट डाइड व्हेन ही वॉज स्टिल इन द ऑफिस। तो हमारे सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज डेड व्हेन ही वॉज इन हिज ऑफिस, यानी उनके कार्यकाल के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई थी। और दूसरे ऑप्शन हमारे हैं बी डी जट्टी, वी वी गिरी और जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्ला। दोस्तों जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्ला हमारे एक्टिंग प्रेसिडेंट बने हुए थे, ये बात आप लोग याद रखिएगा। 16 सवाल हमारा है कि हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट वॉज द फर्स्ट रिसिपेंट ऑफ भारत रत्न, यानी कि इन निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से सबसे पहले भारत रत्न किसको दिया गया। तो हमारे ऑप्शन हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या डी नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों राजेंद्र प्रसाद जी को नहीं मिला था, लॉर्ड माउंटबेटन हमारे राष्ट्रपति थे नहीं, तो बचा कौन, सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो डॉक्टर राधाकृष्णन को सबसे पहले भारत रत्न मिला गया था किसके साथ, सी राजा गोपालचारी के साथ। ये हमारा 16 क्वेश्चन था और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अपने 17 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये कहता है कि इज इट ट्रू दैट द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेज ऑफ इंडिया। तो बिल्कुल सही बात है, राष्ट्रपति आर्म फोर्सेज का सुप्रीम कमांडर होता है इंडियन फोर्सेज के। अपने 18 क्वेश्चन को देखते हैं कि हाउ मेनी प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया सो फार वर इलेक्टेड अनअपोज्ड। दोस्तों ये ऐसा सवाल है कि इसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।